इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि तकरीबन लोग तशवीश में थे और शको शुबात में थे कि अजान देंगे नहीं देंगे, लेकिन कुछ फैसले आज अंजुमन इस्लाम की जानिब से व बोर्ड की जानिब से जनाब आसिफ राजू सेठ और जनाब फिरोज नूरुद्दीन सेठ और तमाम उलमाए कराम मस्जिद के जिम्मेदारान तमाम यहाँ पर शरीक थे और उन्होंने फैसला लिया कि जो है अजानें कुछ जगह पर माइक पर दी जाएंगे, कुछ जगह पर बिना माइक के दी जाएंगे। लिहाजा हम तमाम तफसीलात के साथ यहाँ पर हैं, उलमाए कराम से हम पूछना चाहते हैं कि आखिर मामला क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल से रमज़ान शुरू और आप सबको रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। आज के हालात में बीमारी के वजह से आज जो हमें सख्त कानून लग रहे हैं वो सभी हमारे भलाई के लिए ही है। इतना हम पहले ये सोचे कि हम अपने आप को, अपनों को, अपने पड़ोसियों को, अपने बच्चों को हिफाजत से रखें। हुकूमत से नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में सिर्फ 4 लोगों की इजाज़त है, एक पेश इमाम, एक बांगी साहब और जो 2 हेल्प करने वाले मस्जिद साफ़ सफाई में, उनके लिए ही सिर्फ इजाज़त है। बाकी लोगों से गुजारिश है कि वो अपनी नमाज जमात के साथ अपने घर की जमात बना करके अदा करे और लोगों का ताउन दे इस बात में। अड़ोस पड़ोस के लोगों को जमा करके भी आप जमात बनाने की कोशिश ना करें। सहरी और इफ्तार की दावत से परहेज करें। खास करके नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि आप सभी स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, कारों में यहाँ वहाँ बिना वजह ना घूमें, क्योंकि पुलिस फिर सख्त कार्रवाई करेगी और फिर घर वाले, हम और आप सब परेशान होंगे। ये वक्त डिसिप्लिन का है, हम डिसिप्लिन कौम है, ये हम सबको बताएं कि हम अपने वतन की, वतनियों की हिफाजत के लिए है और वो काम हमारे से अल्लाह ले। सबसे खास करके ये कहना मैं अपने आप से, अपनी तरफ से चाहता हूँ कि जहाँ भी अजान माइक से होगी, ये बड़े हमारे बुज़ुर्ग जो भी है उलमा सब बैठ के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के लिए तय किए हैं कि जहाँ एक क्लस्टर है मस्जिदों का, 8-10 मस्जिदें साथ में हैं, वहाँ एक ही जगह से मस्जिद में से अजान की माइक के थ्रू ऐलान, माइक के थ्रू अजान देने की इजाज़त है। बाकी बगैर माइक के आप अजान दे सकते हो। इसमें कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं बन रहा है, हम सब एक हैं और हम सबको, सबको एक बन करके ये बीमारी को, ये कोरोना वायरस को, COVID-19 को हराने की कोशिश। सबसे बड़ा साथ तो अल्लाह का ही चाहिए, आपकी दुआएं ही काम आएगी दवा से ज़्यादा। दवा करने वाले कर रहे हैं अपनी जान का जख्म लेके, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन दुआ में आपके अगर सच्चाई है तो ज़रूर उसका असर होगा और सारी दुनिया इस प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएगी, ऐसी हमारी एक कोशिश है। बेलगाम DC, बेलगाम के रीजनल कमिश्नर, बेलगाम के पुलिस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, हमारे ACPs, ये सभी की कोशिश से ये मस्जिदों में 4 लोग नमाज पढ़े, ये बेलगाम से ही शुरू होकर के बेलगाम से ही इजाज़त लेने की कोशिश हमारे अफसरान किए हैं, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप कुछ मस्जिदें लॉक करके, चाबी अगर खो गई रहेगी तो आप बेफिक्र जाके ताला तोड़ के, सिर्फ 4 से ज़्यादा, 5वां जाएगा तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी, इतना ध्यान रखिए। आप अपने अपने ताले खोल लीजिए, मस्जिदें साफ़ कर लीजिए और इंशाल्लाह आपकी और हमारी दुआएं सबके कबूल हो, इसकी हम दुआ करते हैं। तमाम मुसलमानों ने बेलगाम और दीगर अफराद के लिए रमज़ान का चांद मुबारक हो। अल्लाह ताला ने हमें यह मुबारक महीना नसीब फरमाया, हम सबको उसकी कदर करनी चाहिए। और आज पहली सहरी होगी और आज पहली तरावी होगी और कल का पहला रोज़ा होगा। और इसी के साथ जो मौजूदा हालात के तहत
हुकूमत के जानिब से मसाजिद में कसीर तादाद में नमाज़ पढ़ने के लिए जो मना किया गया है, अज़ान तो होगी लेकिन नमाज जो है इमाम के साथ चार अफराद नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, बाकी अफराद तमाम अपनी नमाजें वगैरह जो है घर में अदा करेंगे, तरावी हो या दूसरे पंचवक्ता नमाज अपने अपने घरों में एहतमाम के साथ उसको अदा करें। इसका फ़ायदा ये भी होगा कि घर के बच्चे भी पढ़ेंगे, औरतें भी पढ़ेंगे और रमज़ान के फ्यूज बरकात से माला माल होंगे। दूसरी बात यह है कि जो माइक में अदा देने का जो हुक्म दिया गया है उस कम से कम माइक की मकदार रखें, कम आवाज़ आएँ ताकि किसी को और को दूसरे को तकलीफ़ ना हो जाए। और जो ऐलान किया जाता है कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया और उसके बाद जो है रोज़ा खोलने का वक्त शुरू हो गया, सहरी रोज़ा खोलो और सहरी का वक्त ख़त्म, इतना ही, ज़्यादा लंबी चौड़ी दुआएं वगैरह पढ़ाने की कोशिश ना करें। अजान की पाबंदी कतान कहीं पर भी नहीं है ना, सारी मस्जिदों में अजानें दी जाएंगी और महदूद अफराद जमात से नमाज पढ़ेंगे। अलबत्ता लाउड स्पीकर के सिलसिले में इंतहाई खलजान था, कई दिनों से डीसी साहब, पुलिस कमिश्नर और पुलिस के दिगर आला हुक्काम के साथ जनाब अलहाज फिरोज़ नूरुद्दीन सेठ सदर अंजुमन और हमारे ज़िम्मेदार उलमाए किराम बेलगाम के सिलसिले में कोशा थे। बिल आखिर ये तय पाया कि शहर बेलगाम, याद रखें शहर बेलगाम के ताल्लुक से यह तय पाया कि कुछ आबादियां हैं जहां महदूद आबादी में मुतअद्दिद मस्जिदें हैं, उनमें से किसी एक मरकज़ी मस्जिद को लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई, बकाया और बाज़ाब्ता उसके लिए लिस्ट तैयार हो गई है पूरे शहर बेलगाम के। तो जिन मस्जिदों में लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाज़त है, महदूद और कम से कम आवाज़ में उन्हीं मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान दी जाएगी, बकाया मस्जिदों में बग़ैर लाउड स्पीकर के अजान होगी और जमात जैसा कि ऐलान किया गया है उसी के मुताबिक कायम की जाएगी। एक बात और भी मुसलमानों से मैं कह दूं कि तरावी के अंदर कुरान मुकम्मल कुरान का एक मरतबा सुनना भी सुन्नत किफ़ाया है। तमाम अहले इस्लाम को माह मुबारक, माह रमज़ान मुबारक, सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला हम तमाम को इस माह की कमा हक़ कदर करने की तौफीक अता फरमाए और इसके शराइत और ज़वाबित आदाब की रियायत करते हुए इससे खूब इसकी बरकतों से, रहमतों से, मौफ़िरतों से मालामाल होने की अल्लाह उम्मत के एक एक फ़र्द को तौफीक अता फरमाए। चांद जैसा कि रुयत हुई है और रुयत आम हुई है, यहाँ उलमा ने और आवाम ने और हमारी दिन शहर ने अल्हम्दुलिल्लाह चांद का मुशाहदा किया, अपनी आँखों से देखा है। तो आज चांद का अंजुमन इस्लाम की तरफ से चांद का ऐलान किया गया, माह रमज़ान साबित हो गया है, आज तरावी होगी और इंशाअल्लाह कल रोज़ा रखा जाएगा। और इस दूसरी बातें जो यहाँ अभी उलमाए किराम ने बयान की गई हैं वही बातों का इयादा होगा। ये जो मौजूदा हालात हैं इन हालात की नज़ाकत को भी हमें समझना है और मौजूदा हालात की नज़ाकत के साथ साथ सूरत हाल को भी समझना है और अपनी ज़िम्मेदारियों को भी समझना है। हमारी समाजी ज़िम्मेदारी है, मजहबी ज़िम्मेदारी है, अखलाकी ज़िम्मेदारी है, इंसानी ज़िम्मेदारी है, हर तरह की ज़िम्मेदारी का तकाज़ा यह है कि हुकूमत के बताए हुए तमाम कवानीन का हम लिहाज रखें, उसका पालन करें, किसी किस्म की शिकायत का मौका इंतज़ामिया को न दें, हुकूमत को न दें, बल्कि अपने एक बेहतरीन मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शहरी होने का सबूत देना ये अक्ल का तकाजा है, वक्त का तकाजा है और मौजूदा हालात का तकाजा है। इसलिए नमाजों के ताल्लुक से जो बताया गया है कि जहाँ जहाँ अजान दी जाए वो एक जो है महदूद वालम के साथ धीमी आवाज़ के अंदर अजान दी जाए, जिन मस्जिद में अजान देने की इजाज़त स्पीकर के लाउड स्पीकर के ज़रिए से दी गई है उन्हीं मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर के अंदर अजान देने का अहतमाम किया जाए। सबको रमज़ान माह का मुबारक। हम दुआ करें कि ये मुबारक महीना जो आजकल के हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस के, COVID-19 के, हमारी दुआएं से, हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे उलमाए इकराम की दुआएं से ये वायरस हमारे वतन से दूर हो जाए और सब सेहतमंद रहे। थोड़ी बातें सरकार की तरफ से आई है, इसका हम
اہتمام کرنا بہت بہت ضروری ہے. جیسے کہ ہم مسجد کی طرف نہ جائیں, ترابے اور نمازیں ہمارے گھر پہ پڑھیں. جو بھی ہماری عبادت ہے وہ ہم ہمارے گھر پہ ہی کریں. ہمیں جو بھی قانون سے, جو بھی سرکار سے ہدایتیں آتی ہیں وہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ ہدایت کا پالن کریں, مانیں اور صحیح ریت سے چلیں. جو بچے افطاری کے بعد میں موٹر سائیکلس لے کے گھومتے ہیں, یہ وقت نہیں ہے یہ سب کرنے کا. ہم یہ سب اس سے دور رہے. لاک ڈاؤن یعنی پورا لاک ڈاؤن رہتا ہے, اور اگر ہم تھوڑی سی یہاں وہاں ہم غلطیاں کریں گے تو قانون کا ہاتھ کہاں بھی جا سکتا ہے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہم صرف رمضان کے مہینے میں ہمارے نمازیں اور ہمارے دعائیں میں لگیں, فضول چیزیں اور فضول وقت برباد نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام برادران وطن, مسلمان بھائیوں کو رمضان مبارک. رمضان کا مبارک مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں, نماز فرض کی گئی ہے, لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ ہم جو بھی حکومت کا گائیڈ لائنس ہے اسے فالو کرے, اپنے گھروں میں رہے, مسجدوں کا رخ نہ کرے, اور اپنے پڑوسیوں کا اور ہم وطن بھائیوں کا خیال رکھیں. میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں عبادت کی جائے, دعاؤں کا اہتمام کیا جائے, اور اپنے اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کیا جائے.